मैंने चेकअप कर लिया है, वैसे बुखार कब से? रात तक तो ठीक था डॉक्टर साहब, सुबह उठा तब से तबीयत ऐसी है। मेरे ख्याल में इन्होंने कोई स्ट्रेस लिया है जिसकी वजह से इनको फीवर है। अच्छा, और ये कि मैं कुछ मेडिसिन लिख दूंगा तो शाम तक ये नॉर्मल हो जाएंगे। बस ख्याल रखिएगा कि इनको जहनी सुकून की जरूरत है। रश्ना, रश्ना। कौन? शायद ये किसी को पुकार रहे। हाँ, वो इसकी कजिन का नाम। तो उनको बुला लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, वो एक्चुअली मुल्क से बाहर है। ओ, चले मैं आपको मेडिसिन लिख देता हूँ, तो आप उनको दे दीजिए। जी जी, ठीक। बाय। कितनी बदकिस्मत हो तुम, इतने प्यार करने वाले शख्स को ठोकर मार के जा रही हो। एक प्यार भरे दिल को तोड़ के तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। काश ये तुम जान सको। एक बात तुम कान खोलकर अपने दिमाग में बिठा लो, तुम्हारी शादी वहां होगी जहां हम चाहेंगे और उसी तारीख को होगी जो हम तय करेंगे। समझ गए तुम? कहां थे जिब्रान? मैं कब से कॉल कर रही हूँ। I'm so sorry यार, वो सो रहा था और वो फोन भी चार्ज नहीं था। मुझ पे कयामत टूटी हुई है और तुम सो रहे थे। तो मैं, अब तुम ही बताओ कि क्या कर सकता हूँ। तुम्हारे घर तो नहीं आ सकता ना मैं। वैसे अब तुम्हारे बाबा कैसे हैं? बाबा भी ठीक हैं, मगर अभी तक हॉस्पिटल में ही हैं। डोंट वरी, ठीक हो जाएंगे वो। जिब्रान, मैंने सबको बता दिया है मगर ये लोग मानने को तैयार नहीं। कहते हैं तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ नौफल से ही होगी। मैं पता है, दादी जान ने मेरे घर से बाहर निकलने पे भी पाबंदी लगा दी है। What? रोशना, फिर आगे ये सब कुछ कैसे होगा? क्या तुम यूं ही पाबंदियां बर्दाश्त करते रहोगी? हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखो, तुम इससे मिलो, हम बैठ के डिसाइड करते हैं कि हमें आगे क्या करना है। अच्छा, मिलूं? कैसे मिलूं? Come on यार, हजार तरीके होते हैं मिलने के। कुछ भी करो, किसी भी तरीके से मुझसे मिलो। अच्छा ठीक है जिब्रान, मैं कुछ सोचती हूँ। खुदा हाफिज़।